नमस्कार आदाब भाई, रूबरू कहते हैं ऐसे पुलिस अधिकारी से जो एक ज़माने में न सिर्फ एक बेहतर खिलाड़ी साबित हुए हैं लेकिन अब उन्होंने क्षेत्र की जनता की सच्ची सेवा करने के साथ मीडिया को साथ लेकर क्षेत्र में बेहतर पुलिसिंग देने का दावा किया है। जवाब में प्रेस क्लब के संरक्षक वरिष्ठ पत्रकार आरिफशीष महली ने भी साफ कहा है कि समाज हितार्थ और समाज में शांति व्यवस्था कायम करने तथा अपराध के खात्मे के लिए पुलिस को सहयोग दिया जाएगा, लेकिन पत्रकारों के मान सम्मान और सुरक्षा का भी खास ख्याल पुलिस को रखना होगा। उन्होंने इस मौके पर समस्त पत्रकारों के साथ विशेष वार्ता की, अपने अनुभव शेयर किए। 95 से 97 तक वो उत्तर प्रदेश के लिए खेले, अनेक ट्रॉफी उन्होंने हासिल की। मेरठ, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद जैसी कोतवालियों में रहे। ATS में उन्होंने एक के बाद एक तमगा जीता। उन्होंने सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम अवार्ड जीता है। एक से एक टेररिस्ट को ठिकाने लगाया है। इस मौके पर मीडिया प्रेस क्लब, प्रेस क्लब एसोसिएशन, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन, क्षेत्र के सभी पत्रकार यहां पर भारी संख्या में मौजूद थे। क्या कहा नवागत इंस्पेक्टर विश्वजीत सिंह ने, आइए सुनवाते हैं पहले उन्हीं की जबान। और ज़्यादा मेरा कार्यकाल एंटी टेररिस्ट फाइट में ATS में गुजरा था, 13 साल रह गया। बहुत टेररिस्ट हमने पकड़े, बहुत अच्छे अच्छे काम किए वहाँ पर। और वहाँ पर मुझे DGP का जो प्लेटिनम डिस्क होती है हमारी, ये हमारी टॉप डिस्क है, उससे पहले सिल्वर मिलती है, फिर गोल्ड मिलती है, फिर प्लेटिनम मिलती है, मुझे तीनों मिले। ये छोटा सा मेरा रूप है। इसके अलावा एक छोटी सी खूबी मेरे अंदर ये भी है कि मैं खिलाड़ी आदमी और वर्ष 95 से लेकर 97 तक उत्तर प्रदेश के लिए रणजी ट्रॉफी खेला। रणजी ट्रॉफी की टीम का मैंने प्रतिनिधित्व किया है। और अपने जैसे ही मेरा करियर शुरू हुआ तो मैंने पहले मैच में अपनी सेंचुरी भी लगाई अगेंस्ट इंडियन रेल में, जिसमें अपने सेलेक्टर रहे इंडियन टीम के संजय बांगर, फिर जॉब में यहाँ से पहले स्पोर्ट्स भी करा था, वहाँ पर मनोज भुराकर, रमन लांबा, चेतन शर्मा, विजय यादव, सब टेस्ट प्लेयर्स हमारे साथ थे। लेकिन तभी मेरा सिलेक्शन पुलिस में होता है, तो 97 में वो जॉब छोड़ देना, इधर पुलिस में आ गया। और जो बातें करी गई चाहे सौभाग्य कर लीजिए, मैं टीम में रह चुकी थी और मैं ट्रेनिंग कर रहा था उस समय, लेकिन मुझे खेलने जाने की परमिशन नहीं मिली, क्योंकि पुलिस का आया था ट्रेनिंग कर रहा था, उसे मारे खेलना छोड़ दिया। तब से लगातार पुलिस सेवा में हूँ, पुलिस की सेवा कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ। विभिन्न थानों पर मेरठ में SO रहा, तो सब इंस्पेक्टर जब जाते हैं तो SO ही रहते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर्स के थाने के भी चार्ज मेरे पास रहेगा। जैसे चोली थाना है, वो इंस्पेक्टर रैंक का थाना था, उस समय वहाँ का भी SO रहा, रेलवेट में SO रहा, वो भी इंस्पेक्टर रहा, उसके बाद नोएडा में Sector 20, Sector 49 इनमें रहा। अभी लास्ट पोस्टिंग मेरी SHO लोनी बॉर्डर के रूप में, वहाँ से फिर मेरा टाइमपुर ऑर्डर के वजह से इधर ट्रांसफर हो गया। और अभी पिछले कुछ दिनों से 16-17-12 दिन से मैं इसमें हूँ, हम लोगों से मिलाता है, अभी सबसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। यहाँ की मीडिया बहुत कॉम्पिटिटिव है और मेरे साथ जो मेरी टीम है इनमें भी काफ़ी लोग, कुछ 2-4 लोग पुराने हैं लेकिन ज़्यादातर लोग नए हैं। ये इंतजार अली साहब हमारे SSI हैं, ये राहुल हैं, ये राशिद हैं, ये पुनिया साहब हैं, ये सब लोग बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छी पकड़ है क्राइम के ऊपर। और जैसा मैंने देखा भी पिछले 15-20 दिनों में, उन्होंने पिछले जो बहुत बहुत पुराने जो केसेस थे वो बच्चे वर्कआउट करते सुनते हैं। अभी 2 महीने पहले करीब एक मर्डर हुआ था, डबल मर्डर, बहुत ही सक्सेसफुल मर्डर हुआ था, सनसनी खेज, दिन में ही 2 लोगों की चाकू मार के हत्या कर दी थी। उसमें एक बदमाश ने गोली चलाई तो दूसरे बदमाश की उंगली पर लेकर उसकी उंगली कट के वहीं गिर गई, तो वो हमारी टीम में लग के हमने मेहनत करके उसको पकड़ा और आज की डेट में वो जेल में है, तीनों मुल्ले। इसके अलावा भी और 2 लोग ऐसे थे जो बहुत बहुत दिनों से वंचित चल रहे थे, अपने नहीं पकड़े। एक तो ऐसा था कभी जेल पकड़ के भेजा, करीब 1.5 साल से वंचित चल रहा था, जुबैर नाम का था। अच्छी टीम कर रही है, अच्छी जो हमारी टीम अच्छी काम कर रही है और अच्छे आगे करते हुए रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो जनहित में होती है,
हमसे भी कई बार हो सकता है कुछ गलत काम हो जाता हो, लेकिन हम जो भी करते हैं वो जनहित में करते हैं। लोग आप लोग सकुशल रहे, जनता सकुशल रहे, अच्छा एक एटमॉस्फेयर मिले जनता को, हमारी तो प्रायोरिटी ये रहती है। और इसके लिए आपसे थोड़ा सहयोग चाहेंगे। कुछ कभी कभी हमसे अगर कुछ गलती भी हो जाती है तो उसको हम हैंडल करें, क्योंकि हमारा काम सिर्फ जनहित में पर्सनली। और हमारा प्रयास ये है कि हम तो पब्लिक के सेवक हैं, सीधी बात। हम लोग पब्लिक हमें तनख्वाह देती है, पब्लिक के लिए काम करते हैं। कोशिश अपनी तरफ से ये रहेगी बेहतर पॉलिसी करें, आप लोगों के साथ मिल के करें। जैसा कहा जाता है पत्रकार और पुलिस का चोरी दामन के साथ है, एक दूसरे के पूरा गए, हम लोग एक दूसरे के साथ रह के काम करें। प्रभारी निरीक्षक विश्वजीत सिंह ने पत्रकार और पुलिस को एक दूसरे का पूरक बताते हुए सहयोग की अपील कही। वहीं पर संरक्षक वरिष्ठ पत्रकार आरिफ शीशमैली एडवोकेट ने भी उनसे आश्वस्त करते हुए क्या कहा, इन सब साथियों ने संरक्षक का दायित्व रखा है, तो कोशिश ये रहती है कि सब लोगों को एक साथ जोड़ के चलूँ, इनका जितना अपने से हो सके वो करूँ। सिर्फ बात यह है कि सबसे पहले तो मैं आपका आभार और आपको मुबारकबाद देता हूँ वो जानसर क्षेत्र को भी, कि आपने जो अपना परिचय बताया, वाकई में ऐसे बिरले आते हैं जो आप में खूबी है। आपको वो अवार्ड मिले हैं जो जल्दी से किसी को नहीं मिलते हैं, इसके लिए बहुत आपको बधाई। और आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं, खेलो इंडिया तो प्रधानमंत्री जी इस टाइम सबको लेक जोड़ के चल रहे हैं, आप भी एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं, तो नेचर होते हो कि खेल और प्रशासनिक कार्य जब एक होगा तो उसका दिमाग भी जो 100-250 होगा, मेल मिलाप वाला होगा, व्यवहारता होगी, वो एक खिलाड़ी के अंदर हो सकती है और प्रशासनिक अधिकारी के। यकीन है कि जानसर के अंदर वो आप खेल खेलेंगे कि जिससे क्राइम का तो सफाया हो गई, लेकिन एक तो इत्तेहाद भी कायम होगी, ये मेरी आशा है। दूसरी आपने टीम बताई, इंतजार साहब आए बहुत अच्छे, मेरी उनसे भी आशाएं हैं कि अच्छा वर्क करें। इतिहास गवाह है, जानसर कोतवाली जब वहाँ पर हुआ करती थी तो एक से एक यहाँ पर आए और बहुत यादगार अपनी छवि छोड़ कर गए हैं, चाहे वो कड़क भी रहे हो और चाहे मधु आजी भी रहे हो, लेकिन सबका वर्क पर्पस एक ही था कि किस तरह क्राइम कंट्रोल कर लिया जाए और कस्बे को अच्छा रखा जाए। तो मानना यही है कि मीडिया, क्योंकि आपके राइट एंड लेफ्ट हमेशा मिलेगी रहती है, सिर्फ और सिर्फ यह है कि वो मान सम्मान चाहती है, जहां उसे अपनी कवरेज से भी मतलब है वहीं वो ये भी चाहती है कि आप उनके मान सम्मान में कभी भी गुस्ताखी ना कर पाए। क्योंकि आपको अचानक कोई नया मिल जाता है, आपकी कवरेज कर रहा है या बात कर रहा है, आपने उसको एकदम से सड़क के किनारा आया, अननोन था, आपने हड़का दिया, कह दिया कौन है क्या है चले जाए। तो मेरा वैसे हमने अपनी सब मीडिया से बता रखा कि अपना परिचय जरूर दे दे, जब भी कोई हमारा कोई चाहे दरोगा है, इंस्पेक्टर कोई भी खड़े हैं, तो कम से कम बताया उन्हें कि भैया मैं समाचार पत्र से हूँ, उसकी नहीं कुछ वहाँ पर आपके साथ कुछ होती है तो उसके बाद हम लोग बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी मीडिया सेंटर सबसे बड़ा संगठन है, मुझे संगठन मंत्री बना रखा है उसके अंदर। बेहद सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ मीडिया और पुलिस का यह मिलन कार्यक्रम। हम आपको बता दें कि विश्वजीत सिंह ने दावा किया है कि क्षेत्र के में अमन और इत्तेहाद कायम रखा जाएगा, अपराध का खात्मा किया जाएगा, और उन्होंने कहा कि सामाजिक स्तर पर भी पुलिस और पब्लिक में आपसी सामंजस्य बनाया जाएगा। हम आपको बता दें कि इस मौके पर प्रेस क्लब जानसठ के अध्यक्ष नवनीत काम्बोज, सचिव जगदीश, अनुज सैनी, निशु काम्बोज, भवन सिंह, गोरेश, शिव कुमार के अलावा हम आपको ये भी, और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित शर्मा भी मौजूद रहे। तो वहीं पर प्रेस क्लब एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश सैनी, सचिव साजिद चौधरी, अजादार हुसैन जैदी, डॉक्टर साजिद, सुशील कुमार, मंगल सिंह, तहसीन गौर और ब्रह्म प्रकाश, मेहराजुद्दीन, आसिफ फरीदी, फरीद अंसारी, जावेद हुमायूं, राजू धीमान, सचिन धीमान, अजय खत्री, सतेंदर शाहालम, ईमान अली, जितेंद्र त्यागी, नासिर आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर नवागत एसएसआई इस्तखार अहमद, राहुल और राशिद अली सब इंस्पेक्टर का भी परिचय कराया गया, पूरी पुलिस टीम का परिचय कराया गया। पत्रकार और पुलिस बेहतर करेंगे कार्य कस्बे के सौहार्द के लिए, अमन के लिए, शांति के लिए, अपराध खात्मे के लिए, ऐसी आशा एक दूसरे ने जताई है। बहर बने रहिएगा मेरे साथ, आरिफ शीशमैली, चीफ एडिटर बार और बेंच, एन न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर।